हेलो दोस्तों, विरसा मैटर्स के साथ फौजिया सईद हाजिर है। आज मैं बात करूंगी मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, क्योंकि हमारी बहुत सी ट्रेडिशंस होती हैं जो हमारे साथ चलती आ रही होती हैं। बच्चे की पैदाइश की होती है, मौत की होती है, शादी की रसूमात होती हैं, मगर उनको वक्त के साथ चेंज होना पड़ता है। और कई दफ़ा ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स जो हैं और इतनी बिजी वर्किंग लाइफ लोगों की, उसमें आके आड़े आती हैं। तो एक पिछले दिनों मेरी एक दोस्त को मैंने कॉन्टैक्ट किया, शी इज़ इन हर मिड 70s, तो उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो मैं उनको नेट पर लेना चाह रही थी। तो शी सेड कि नहीं, मैं तो नेट पे नहीं आ सकती क्योंकि मैं इद्दत में हूँ। तो तब मुझे ख्याल आया कि इद्दत की रस्म जो थी, ये इस वजह से थी कि जब खावंद फौत हो जाए तो बीवी का आपको ये पता चलाना मुआशरे में ज़रूरी था कि उसकी कोई औलाद अगर है तो आपको पता चल जाए, अगर कोई प्रेगनेंसी है अंडरवे तो पता चल जाए, ताकि जायदाद का हिस्सा होता है, बहुत सारे और मैटर्स होते हैं, उसका नाम होता है अपने बाप के हिसाब से, तो वो पता चल जाए। इसी वजह से वो चाहते थे कि बिफ़ोर शी गोज़ अराउंड एंड मीट्स फ्रेंड्स एंड स्टफ, उससे पहले ये पता चल जाए कि इसके पिछले खावंद के साथ जो लिंकेज था उससे कुछ अगर बच्चा है तो मालूम हो जाए। अब ये होता है कि जब वो उस एज से गुजर भी जाते हैं जहाँ उनकी प्रेगनेंसी नहीं होनी होती, तो तब भी वो ये सारा प्रोसेस उस तरह करते हैं। एक तो इद्दत में ये भी बड़ी हेल्प हो जाती है कि आप बाकी सारी सरदर्दियों से दूर हैं, आपको ग्रीव करने का, आपको मौन करने का टाइम है, आपको हीलिंग के लिए टाइम है, तो दैट इज़ वेरी ट्रू, और वहाँ पर उसकी लॉजिक भी समझ में आती है। मगर जिस तरह वर्किंग वुमेन हैं वो इतनी लंबी छुट्टियाँ नहीं ले सकती कि वो 3 महीने बैठी रहें, या जिनको अपने बच्चों को, अब आगे सिंगल पेरेंट हो जाते हैं, बाज़ोकात नहीं इतनी लार्जर फैमिली का सपोर्ट होता बच्चों के लिए, तो माओं को तो बच्चों को अस्पताल भी ले जाना पड़ता है, स्कूल भी ले जाना पड़ता है। तो वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल इन दीज थिंग्स। हमें चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट वही रखें जो एक अफेक्शनेट, एक सपोर्टिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था, वो रखें, और बाकी उसको इतना रिस्ट्रिक्ट ना करें कि आप ईमेल भी ना कर सकें और इंटरनेट भी ना कर सकें कि इद्दत टूट जाएगी। आप उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें और उसका जो स्पिरिट था उसको कायम रखें। स्पिरिट जो है वो यही है कि आप ग्रीव कर लें और आपकी हीलिंग हो जाए और लोग आपको सपोर्ट करें। सो इसी तरह बहुत सी और रसूमात भी हैं, उनके ऊपर बात होती रहेगी, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की बात करें, कैसे हम एक ट्रेडिशन को मॉडर्न पैराए में देखते हुए, उसकी लॉजिक को समझते हुए, उसकी स्पिरिट को समझते हुए, बहुत इज्जत बहुत प्यार के साथ उसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। आज की स्पॉटलाइट, आज स्पॉटलाइट होगी बसंत के ऊपर, इसलिए क्योंकि बसंत का वैसे तो मौसम गुजर गया, लेकिन बसंत के ऊपर बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं और बसंत से पता नहीं बहुत लोग डरते भी हैं। तो मैंने सोचा आज ज़रा बसंत को थोड़ा सा हम अनपैक करके देखें कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो डराती है। पहली बात तो ये कि पतंगों का फेस्टिवल है, इसमें गुड़ियाँ, ये इस किस्म की पतंगे जिनको काइट्स कहते हैं, तरह तरह के नाम होते हैं, कुप होती हैं, डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट नाम, ढेरों ढेरों रंग, पूरा एक क्राफ्ट्समैनशिप होती है, जैसे इन कागज़ों को जोड़ा जाता है, जैसे इसका तीर बनाया जाता है, ये एक बहुत ही खूबसूरत क्राफ्ट है। तो आजकल इसके ऊपर पनिशमेंट भी हो गई है, जेल भी है, काफ़ी कुछ इसके ऊपर हो गया है। तो मैंने सोचा ज़रा इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करें। बसंत जो है वो एक फेस्टिवल है जो इस खित्ते का है, वो किसी मज़हब का नहीं है, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, वो स्प्रिंग का, बहार का फेस्टिवल है, इस खित्ते का फेस्टिवल है, ना इंडिया का है, ना पाकिस्तान का है, ना जो पहले जॉइंट इंडिया हुआ करता था उसका है, ये एक पंजाब का पूरा एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत से मुल्कों में होता है, चाइना में, जापान में, उसको बसंत नहीं कहते, उसके अपने काइट फ्लाइंग फेस्टिवल्स होते हैं। हमारे यहाँ काइट्स को काट काट के जीता जाता है, वहाँ पर बड़े से बड़ी काइट उड़ाई जाती है जिसके ऊपर जाए, तरह तरह के मुकाबले होते हैं और बहुत ही फैंसी फैंसी काइट्स होती हैं। तो इसमें कोई, हमारे यहाँ ये अनहोनी सी बात हो गई थी कि लोगों ने वो तार बांधनी शुरू कर दी थी इसके यहाँ जो इसका नेक होता है उससे आगे, ताकि कटाई अच्छी तरह हो सके, और वो तार जब गिरती थी और वो बिजली की तारों पे पड़ती थी तो बाज़ूकात बिजली चली जाती थी, आप सबको मालूम है, ये कोई नई बात नहीं है, या वो मोटरसाइकिल वाले जाते थे तो उनके गले काट देती थी, और इस तरह से डेथ्स भी हुई हैं।
फिर बच्चे बाजू का ऊपर से कोठे से नीचे गिर जाते हैं, वहाँ भी कुछ हड्डी वड्डी टूट जाती है। सो मैं थोड़ी सी इसकी लॉजिक पे जाना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि इस खत्ते का फेस्टिवल है, और दूसरी बात ये कि जो एक्सीडेंट्स हैं इनका कोई हल निकालना चाहिए। आमतौर पे मेरा ख्याल है पाकिस्तानी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और इसका कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि जी मोटरबाइक्स के आगे यूँ दो कॉर्ड्स जैसी एरियल से लगा दें ताकि कोई तार आए तो आपके गले तक ना आए। ये बहुत सारे और भी हल निकाले जा सकते हैं। फिर अगर कैद और फाइन वगैरह देना है तो जो लोग तार इस्तेमाल करते हैं, जो तार लगाते हैं, उनको भी पकड़ा जा सकता है। मगर मेरा अपना ये ख्याल था कि शायद ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे काइट फ्लाइंग फेस्टिवल को बंद करें। वक्ती तौर पे ठीक है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी को इसका अच्छा हल निकाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गाड़ियों के एक्सीडेंट्स बहुत से होते हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं, कुचले जाते हैं, स्कूल से आते जाते बच्चे, कभी सड़क पर चलते बच्चे, लेकिन हमने गाड़ियों को बैन नहीं किया, हमने गाड़ी रखने के ऊपर कैद या बड़े बड़े फाइन्स नहीं लगाए, हमने गाड़ी चलाने के ऊपर फाइन्स नहीं लगाए। हालांकि अगर कंपेयर करें तो गाड़ियों से जो डेथ्स होती हैं वो मेरा ख्याल है 100% ज़्यादा होती होंगी जो गुड्डी उड़ाने से या उस डोर से होती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि एक जान भी जो है वो ऐसा नहीं है कि कीमती नहीं है, मगर थोड़ा सा प्रोपोर्शन होके हमें दूसरे एग्जाम्पल जहन में रखने चाहिए। और ये कि अगर हम गाड़ियाँ बैन नहीं कर रहे हैं, अगर हम सड़क पर चलना बैन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, पानी पीना बैन नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है कि गंदा पानी पीने से सबसे बड़ी वजह बच्चों के मरने की गंदा पानी पीना है, लेकिन हम पानी पीना बैन नहीं कर रहे, ना ही पानी को संभालना, पानी को कलेक्ट करना बैन नहीं कर रहे। तो ये थोड़ा सा हमें लॉजिकल सेंस इसकी देखनी पड़ेगी। और फिर ये कि जो ट्रेडिशंस होती हैं उनको, जैसे मैंने आज कॉन्सेप्ट में बात की थी, मॉडर्नाइज कर सकते हैं हम। तो अगर अभी इस वक्त, जैसे मैं बिल्कुल साथ हूँ जिन लोगों ने भी ये तदबीरें सोची हैं कि अभी इसको रोक दिया जाए, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, मगर ये क्यों ना हम करें कि इसको मॉडर्नाइज कर लें। हम म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स कर लिया करें, उसमें काइट्स की तस्वीरें लगा लिया करें, हम सोशल मीडिया पे पूरी गेम कर सकते हैं। आपको मालूम है पीले कपड़े, गजरेले, फूलों के हार, ये सारी चीज़ें तो बसंत की हैं, इनसे तो कोई नहीं मरता, इनसे तो कोई बच्चों का भी कोई नुकसान नहीं होता, हड्डियाँ नहीं टूटती, तो वाई नॉट हम अभी गजरेले और पीले कपड़े और पतंगों को सजाने के लिए इस्तेमाल करें। आपको पता है छोटी छोटी पतंगें बनती हैं जो गाड़ियों में लटकाई जाती हैं, तो हम इसको ट्रांसफ़र क्यों ना कर लें। यही जो स्किल्स हैं विच आर फैबुलस स्किल्स, उनको हम कहीं डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए बनाएं। हम टूरिज़म की जो दुकानें हैं, सुविनर शॉप्स हैं, उस पर छोटी छोटी पतंगें रखें, बी प्राउड ऑफ द क्राफ्ट्स दैट वी हैव, द क्राफ्ट्समैनशिप दैट वी हैव, और हम इसको सजाने के काम लाएँ। हर चीज़ ऑनलाइन चली गई है, तो इस तरह की चीज़ें भी ऑनलाइन चली जानी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये ट्रेडिशंस आगे चलनी चाहिए विद अ डिफरेंट। हम पूरे बैटल ऑफ बैंड्स कर सकते हैं, सारे लोग, मैंने बहुत दफ़ा किया हुआ है कि बसंत के गाने लोग बना के आएँ बेस्ट गाने को, चलो गुड्डी काटने पर ना सही, बेस्ट बसंत के गाने पर अवार्ड दे दें। तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। और प्लीज़ इस तरह की ट्रेडिशंस को क्रिमिनलाइज नहीं करें, वरना हमारे बच्चे बड़े गलत मैसेजेस लेंगे, उनको लगेगा कि ये कोई पता नहीं कैसी अजाब की बात हो गई। हम इसका हल ढूंढने के ऊपर तवज्जो दें और कुछ ना कुछ हल हम ज़रूर ढूंढ लेंगे। ईद आ रही है और 14 अगस्त आ रही है, तो प्रोग्राम्स तो सारे उन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं। सो, आज मैं आपसे बात करूंगी ईद के प्रोग्राम। मेरे ख्याल हर चैनल इस दफ़ा ज़रा जोश में है, क्योंकि लोग काफ़ी घरों पर बैठ के तंग आ गए हैं, बाहर तो अभी भी नहीं निकाल सकते सवाई ये कि शॉपिंग के लिए, अभी इजाज़त नहीं है कि बड़े प्रोग्राम्स किए जाएं। लेकिन इस दफ़ा टीवी चैनल्स मेरे ख्याल अच्छे अच्छे शोज़ लेकर आ रहे हैं। हम लोग PNCA पे भी, मैं जिस तरह पिछली ईद पे ईद के मेहमान लेकर आई थी, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि पिछले दफ़ा मैं बुज़ुर्ग ज़्यादा लाई थी, खैर सारे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इस दफ़ा मैं ज़रा यंगर लॉट को ला रही हूँ। और मैंने सोचा कि जो बड़े स्टार्स हैं उनके बच्चों को लेकर आऊँ, रानी की बेटी, सबिया की नवासी, इस तरह से। तो वी विल डू अ सीरीज़ ऑफ दैट ईद के फर्स्ट सेकंड डे, तीनों दिन मैं करूँगी। और भी बहुत से लोग हैं जो इसी तरह ऑनलाइन शोज़ कर रहे हैं। फिर एक बच्चों के लिए फ़िल्म फेस्टिवल आ रहा है, मिड अगस्त में होगा। कीप अ टैब ऑन लिटिल आर्ट्स, बहुत अच्छे वो फिल्म फेस्टिवल्स करते हैं, शुएब हैं उसके कोऑर्डिनेटर। और आपको मिड अगस्त में फिर PNCA का एक कॉम्पटिशन आ रहा है, और वो शॉर्ट फिल्म्स कॉम्पटिशन है जो आज़ादी की थीम के ऊपर है, इंडिपेंडेंस डे के लिए है। 14 अगस्त को उसका रिज़ल्ट होगा, ऑलरेडी आउट है। ये 3 मिनट का आपको मेरा ख्याल फिल्म बना के आपको सबमिशन करनी है, जल्दी जल्दी इसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। फिर 14 अगस्त पे तो जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो हैं ही हैं, ऑनलाइन ही चलेंगे भाई, मैं तो आपको नहीं बता सकती। एक हमने इजाज़त मांगी भी है, अगर इजाज़त मिल गई
तो शायद हम ऑडियंस का SOPs के साथ पूरा एक शो कर सकें. दैट विल बी अ ब्रेक थ्रू. दैट विल ऑल्सो टेल अस कि अब ट्रांजिशन हो रहा है, वो जो न्यू नॉर्मल कह रहे थे अब वो कुछ ट्रांसफॉर्म्ड नॉर्मल बनता चला जाएगा. लेकिन वी लुक फॉरवर्ड टू ओपनिंग अप ऑफ इवेंट्स. जब तक हमारी जो ढेरों ढेर ऑनलाइन इंटरव्यूज़ और प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको आप इन्जॉय कीजिएगा. वील सी यू अगेन. खुदा हाफिज़.